जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं 2022 में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने जनवरी 2022 से लेकर अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ की गई है उनसे संबंधित प्रश्नों को मैंने ऐड किया है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या अदर्स एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को ऐड किया है जो कि परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO और CMD कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO और CMD कौन बनाए गए, तो इल्कर आईएससी को हाल ही में एयर इंडिया के नए CMD और CEO और CMD बनाए गए हैं, इल्कर आईएससी को, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो उनका नाम है मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक बनाया गया दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कृषि एवं कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में कृषि एवं कल्याण विभाग में नए सचिव किन्हें बनाया गया है दोस्तों, तो मनोज आहूजा को बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो उनका नाम है एस किशोर को हाल ही में SSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किनको बनाया गया है दोस्तों, तो डॉक्टर अनंत नागेश्वरम को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार हाल ही में बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को बनाया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम है डॉक्टर वीके त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर अलका मित्तल को ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष विजय पाल शर्मा को बनाया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को बनाया गया है दोस्तों, जो कि अब भारतीय थल सेना के प्रमुख बन गए हैं। जब ये बनाए गए थे जनवरी में तो उस समय यह थल सेना के उप प्रमुख थे, लेकिन अब इनको क्या बना दिया गया है दोस्तों, थल सेना का प्रमुख बना दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में UGC के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में UGC के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो एम जगदीश कुमार को हाल ही में UGC का नया चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो हाल ही में वन महानिदेशक सीपी गोयल को वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा,
हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन मनाए गए हैं? तो हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष अतुल केशव को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एनसीईआरटी के निदेशक कौन मनाए गए हैं? तो हाल ही में एनसीईआरटी के निदेशक कौन मनाए गए हैं दोस्तों? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को हाल ही में एनसीईआरटी का निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष कौन मनाए गए हैं? यानी AIIB एशिया अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष हाल ही में किनको बनाया गया है दोस्तों? तो ये उर्जित पटेल को बनाया गया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो उन्नी कृष्णन नायर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर बनाया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन प्रदीप शाह को बनाया गया है दोस्तों। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में टाटा सन्स के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में टाटा सन्स के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखर को बनाया गया है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि टाटा सन्स के नए चेयरमैन कौन है? तो एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, हाल ही में IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी किन्हें बनाया गया है दोस्तों? तो राकेश शर्मा को IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो लेफ्टिनेंट जनरल जी ए वी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, के एन राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जेट एयरवेज के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में जेट एयरवेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो जेट एयरवेज के नए CEO बनाए गए हैं, उनका नाम है संजीव कपूर को जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्वकालिक सदस्य कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्वकालिक सदस्य कौन बनाए गए हैं दोस्तों? उनका नाम है अश्विनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो हाल ही में प्रोफेसर अजय कुमार सुद को भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में थल सेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में थल सेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इससे शुरुआत के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस समय जनवरी में इनकी नियुक्ति हुई थी, तो उस समय वह थल सेना के उप प्रमुख थे, लेकिन अब वर्तमान समय में थल सेना के प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष
कौन मनाए गए हैं दोस्तों? तो विमल कोठारी। विमल कोठारी को भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस की नई MD और CEO कौन बनाई गई हैं? तो हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस की नई MD और CEO कौन बनी है दोस्तों? तो उनका नाम है जसलीन कोहली। जसलीन कोहली को डिजिटल इंश्योरेंस की नई MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो KP अब्दुल्ला कुट्टी। KP अब्दुल्ला कुट्टी को हाल ही में हज समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के G20 के मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया है? तो हाल ही में भारत के G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत के G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो उनका नाम है विश्वास पटेल। भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनाई गई हैं दोस्तों? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनाई गई हैं दोस्तों? तो उनका नाम है रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्था की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों? उनका नाम है विकास कुमार। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 2022-23 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 2022-23 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उनका नाम है कृष्णन रामानुजम को हाल ही में 2022-23 के लिए नैसकॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो अजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सेबी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो हाल ही में सेबी की नई चेयरमैन कौन बनी है दोस्तों? तो उनका नाम है माधुरी पुरी बुच को हाल ही में सेबी की नई चेयरमैन बनाई गई हैं दोस्तों, तो यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सेबी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो माधुरी पुरी बुच। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में दूर संचार विवाद और निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति DN पटेल बनाए गए हैं दोस्तों, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा,
हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं दोस्तों? राजेश गोपीनाथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राजेश गोपीनाथ को, माफ कीजिएगा वहां दो बार राजेश गोपीनाथ लिखा गया है, तो राजेश गोपीनाथ को टाटा कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं दोस्तों? उनका नाम है तपन सिंघल को बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ बनाए गए हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बनाए गए दोस्तों? तो उनका नाम है प्रशांत झावेड़ी को हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और सीईओ TS रामकृष्णन को बनाया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं दोस्तों? तो गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो गीता मित्तल। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है VS पठानिया, जो कि 24वें महानिदेशक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो VS पठानिया को, और ये कितने नंबर के महानिदेशक है? तो ये 24वें नंबर के महानिदेशक है भारतीय तटरक्षक बल के। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो दिलीप संघानी, हाल ही में दिलीप संघानी को इफ्को का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में SSB के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो संजीव अरोड़ा को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो हाल ही में एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष विक्रम देवदत्त को बनाया गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष हाल ही में किन को बनाया गया? तो विक्रम देवदत्त को बनाया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में NABH यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो हाल ही में NABH के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो उनका नाम है महेश वर्मा को हाल ही में NABH के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी DNPA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो तमन्य माहेश्वरी को हाल ही में DNPA का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो सुमन बेड़ी, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेड़ी को बनाया गया है दोस्तों, जिन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेड़ी हैं।
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नागरिकों के उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में नागरिकों के उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो जुल्फिकार हसन को नागरिकों के उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो एस एस मुंद्रा को हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष अनवर हुसैन को बनाया गया दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में लार्सन एंड टोब्रो यानी LNT के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? तो हाल ही में लार्सन एंड टोब्रो के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो उनका नाम है एस एन सुब्रमण्यम को हाल ही में LNT के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारत के 25वें चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है राजीव कुमार को हाल ही में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, जो कि पहले अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में शामिल थे, अब क्या बन गए हैं ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए, और वो भी कितने नंबर के? तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में CBDT के नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो हाल ही में CBDT की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं दोस्तों? तो उनका नाम है संगीता सिंह को हाल ही में CBDT की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो लवलीना बोरगोहेन को IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो हाल ही में दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं दोस्तों? तो विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में इन्फोसिस के नए MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इन्फोसिस के नए MD और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? सलील पारेख को हाल ही में इन्फोसिस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटीएम के नए MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया? तो हाल ही में पेटीएम के नए MD और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो विजय शेखर को पेटीएम के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो निधि छिब्बर को हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो उनका नाम है संजीव बजाज को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में लुई वुइटन के नए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लुई वुइटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सुदर्शन वेणु को हाल ही में TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्राम उन्नति का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो हाल ही में ग्राम उन्नति का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है दोस्तों? तो सुनील अरोड़ा को हाल ही में ग्राम उन्नति का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं दोस्तों? तो हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव विनय कुमार क्वात्र भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। दोस्तों शुरुआत मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना के जनवरी में उप प्रमुख कौन थे, तो मनोज पांडे थे, लेकिन अब वो मनोज पांडे भारतीय सेना के प्रमुख बनाए गए हैं। अब भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख इनको बनाया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो कमलेश नीलकंठ व्यास को हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में डीबीएस बैंक के नए एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में डीबीएस बैंक के नए एमडी और सीईओ मुरली नटराजन को बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे नए वैश्विक शांति राजदूत 2022 नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बबीता सिंह को नए वैश्विक शांति राजदूत 2022 के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय अभिनेत्री को बनाया गया दोस्तों, तो विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो टी राजा कुमार को हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी किन्हें बनाया गया? तो हाल ही में ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों, तो रंजीत रथ को हाल ही में ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया? तो हाल ही में लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया दोस्तों, तो सोनाली सिंह को दिया गया है लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो झांगमिंग को संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं दोस्तों, तो उनका नाम है नरेश कुमार को हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।